सपुर आया हूँ अदलाहट के पास आइए, और जो है मिर्ज़ापुर में पड़ता है, और ये दुकान जो है कि मतवार, यहाँ पर मैं गुड़ की जलेबी खाऊंगा। और यहाँ गुड़ की जलेबी बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों, और चल के खाते हैं और देख बहुत ही अच्छा लगता है। देहात एरिया है खास तरह से, और काफ़ी यहाँ पर नहर भी गई है छोटी सी, तो चल के हम लोग आज गुड़ की जलेबी खाते हैं और देखते हैं कैसा स्वाद है। और बैग एरिया है लेकिन काफ़ी पसंद आता है, और बहुत कम जगह आपको मिलेगा गुड़ जलेबी खाने के लिए। गर्म फूड में एक बार फिर आपका स्वागत है, आज हम आए हैं गुड़ की जलेबी खाने के लिए आशापुर में। ये अरोरा के पास ही पड़ता है खास तौर से दुकान। चलिए खाते हैं और देखते हैं कैसा स्वाद है यहाँ का। स्थान है ये कि कौन सा स्थान है? ये आशापुर है। आशापुर अरोरा में पड़ता है ये। गुड़, हम गुड़ वाला जलेबी खाने आए हैं बहुत दूर से। देखिए ये गुड़ वाला जलेबी बना रहे हैं, इसको भी अभी तो ख़त्म हो गया है, ताज़ी बना रहे हैं। बनाओ, कैसे है किलो? 100 रुपया। 100 रुपया ये गुड़ वाला जलेबी बन रहा है खास तौर से। आशापुर है, नहर के पास ही दुकान है जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ का जलेबी भी कैसा लगता है खाने में? ठीक है ना, बढ़िया है? गुड़ की जलेबी है, ये जो खाने का तो गुड़ का शौकीन होगा उसके लिए बढ़िया है। हाँ, नहीं तो आप लोग शौकीन तो लग रहे हैं। नहीं, हम लोग बहुत शौकीन नहीं है, लेकिन हम लोग भी गांव देहात से हैं, इसलिए गुड़ को खाना पसंद करते हैं। अच्छा अच्छा चीनी कम खाना पसंद करते हैं। बता दीजिए अपना एक बार। गोपीनाथ आप ही की दुकान है? कब से दुकान खोले हैं आप लोग? तो बहुत पुराना है। हमारे पिता जी थे, समोसा कैसे दे रहे हैं? 5 का 2। कितने का? 5 का 2, 2.5 रुपए का। अच्छा, ये गुड़ होता है कि खाड़ नहीं होता है? ये गुड़ ही होता है, ये पंसेरा वाला गुड़ होता है। पंसेरा वाला गुड़ होता है, खाड़ नहीं होता है। अच्छा, इसमें जो है लकड़ी उकड़ी का ही प्रयोग करते हैं, और सब गैस का प्रयोग नहीं करते हैं? गैस महंगा पड़ता है कि इसी तरह और लकड़ी मिल जाता है वो ज़्यादा? लकड़ी वाला खरीद कागज पड़ती है। कैसे पसरी पर आता है? 5 रुपये क्विंटल आता है, वो तो महंगा है, कौन सस्ता है। ये है जो है गुड़ वाला जलेबी। चलिए खाते भी हम लोग हैं, और धर्मपुर में एक बार फिर स्वागत है दोस्तों, और आशा है कि आपको भी पसंद आएगा। चलिए गुड़ जलेबी खाते हैं। बहुत जलेबी खाए हैं लेकिन गुड़ जलेबी नहीं खाएंगे, तो आज हम गुड़ जलेबी खाते हैं। ये आशापुर में आए हैं अदलाहट के पास, चलिए खाते हैं। और ये ज़िला जो है मिर्ज़ापुर पड़ता है। जलेबी जैसा आप देख रहे हैं दोस्तों, आप भी खा सकते हैं।
ये खा सकते हैं, चलिए खा के देखते हैं ऐसे। और ये पूरा लाल टाइप का होता है क्योंकि ये पंसेरा गुड़ का बनता है, जैसे खाड़ का बनता है, खाड़ का जो बनता है वो काला होता है। और ये कुछ लालिमा लेके है, ये मतलब पंसेरा गुड़ का बना हुआ, ये गुड़ की जलेबी है, चलिए खाते हैं। और ये आशापुर की गुड़ की जलेबी है, चलिए। बहुत ताज़ी है और जो है कि एकदम गुड़ की तरह लग रहा है। आप देहात एरिया में जाएंगे तो ऐसा ही स्वाद मिलेगा, और मार्केट के एरिया में जाएंगे तो ऐसा बहुत कम स्वाद आपको मिलेगा। और ये जो है कि गुड़ की जलेबी है, ये कह सकते हैं स्टोन टाइप का है, कितना भी खाओगे मतलब कि जी नहीं भरेगा इससे। खाते जाइए, इसका स्वाद मन नहीं भरने वाला है। बहुत ही लाजवाब टेस्ट है दोस्तों। इतना रस भरा हुआ देख सकते हैं आप, जलेबी और उसके स्वाद में नहीं पूछे। कभी भी खाना अगर हो तो थोड़ा सा ट्राई करेंगे, यहाँ तक पहुँच पाएंगे तो आशापुर जो है दहाड़ के एरिया में आएंगे तो आशापुर पूछेंगे तो वह बताएंगे। नहर किनारे ही उनकी दुकान है, बहुत छोटी सी दुकान है खासतौर से, तो यहाँ पर आके मतलब आपको मिलेगा दुकान। पूछ भी लेंगे किसी से गुड़ की जलेबी कहाँ बिकती तो बता देंगे आपको, आके यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं और खा भी सकते हैं। हमको तो बहुत मज़ा आ गया खा के दोस्तों, गुड़ की जलेबी। मस्त है, बढ़िया है, और जो है कि मीठा है, लेकिन ये मीठा ऐसा नहीं जो शुगर जिससे हो। गुड़ बहुत ही फायदेमंद होता है दोस्तों, गुड़ की जलेबी कहीं क्या कहने हैं, बहुत मस्त, बहुत बढ़िया। ये भैया आशा प्रस्थान है ना, गांव का नाम है कि मतलब कस्बे का नाम? आशापुर गांव भी है। अच्छा, ये दुकान कितने साल पुरानी होगी आपकी? 20 साल, 25 साल, 50 साल, 35 साल, 40 साल। किराए पर ही लिए होंगे, किराए पर चला रहे होंगे, कितना किराया देते हैं? 1000 तो। और जो मतलब दुकान शुरुआत किया था उनका क्या नाम था ये, जिससे आपके दादा उदा पापा उपा? क्या नाम था? खिचड़ू पटेल। पंचशीरी गुड़ की जलेबी तो खाकर मज़ा आ गया दोस्तों। इन गुड़ों में कोई मिलावट नहीं होती है, इन जलेबियों में दोस्तों गुड़ की जो सुनाहट मिलती है और जो भीनी भीनी खुशबू गुड़ का मिलता है वो कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। एक बार अगर आप खाते हैं दोस्तों तो बार बार खाने का जी चाहेगा। वैसे गुड़ जो है सेहत के लिए लाभदायक भी होता है। आशा है दोस्तों कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों। अब हमें आज्ञा दीजिए, अपने दोस्त धर्मराज सिंह को अगली बार फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।